और दोस्तों हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। शुरू करते हैं भारत का विदेशी ऋण, फॉरेन या डेट जिसको बोलते हैं। डेट दो तरह से ले सकता है इंडिया, एक तो विदेशी ऋण हो सकता है भारत का, यानी कि फॉरेन डेप्ट या एक्सटर्नल डेप्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा इंटरनल डेट मतलब आंतरिक ऋण। तो अभी विदेशी ऋण पर बात कर लेते हैं क्यों, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। ये क्वार्टरली डाटा अवेलेबल कराया जाता है, मतलब 3 महीने में एक बार। कौन अवेलेबल कराता है? देखिए, फर्स्ट दो कैलेंडर क्वार्टर जो होते हैं, जनवरी मार्च वाला और अप्रैल जून वाला, इसको आरबीआई अवेलेबल कराता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का डेटा अवेलेबल कराता है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। थर्ड और फोर्थ कैलेंडर ईयर, नॉट दी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 29/12 को जारी हुआ था ये, तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए बता दिया कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का जारी हुआ अभी, तो ये लेटेस्ट न्यूज है एग्जाम आरओ एग्जाम के लिए। अभी मार्च में फिर आ जाएगा तो वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो जो डेप्ट है, एक्सटर्नल डेट है, उसमें भारत के एक्सटर्नल डेप्ट में 5.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो टोटल डेट इंडिया का इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, ये तो खैर मैं बता चुका आपको। और एक्सटर्नल डेट टोटल जो विदेशी ऋण होगा वो दो तरह का हो सकता है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म। या और एक तरीके से विभाजन कर सकते हैं कि विदेशों में भी हमने गवर्नमेंट से लिया होगा, तो गवर्नमेंट से लिया होगा तो सॉवरियन होगा, और नॉन गवर्नमेंट से लिया होगा तो गैर सरकारी, यानी कि प्राइवेट, या जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी बोलते हैं, ईसीबी, याद रखेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वित्तीय ऋण समथिंग करके हिंदी है उसकी। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है वो ज़्यादा होती है, और सरकारी ऋण हम कम लेते हैं, मतलब हम प्राइवेट बॉडी से ज़्यादा ऋण लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज लिखने का सिर्फ इतना मतलब था कि इंडियाज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज मोर देन सॉवरियन डेट, मीन्स कि गैर सरकारी ऋण भारत का अधिक है, सरकारी ऋण कम है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं, तो पहले तो इसकी डिफिनीशन ही समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म वो होगा जो 1 साल से कम के लिए लिया होगा, लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म वो होगा जिसका ग्रेटर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म में हम ज़्यादा लोन लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम रोज रोज फुटकर लोन नहीं ले सकते ना जाके, तो हम लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कम लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन में कुछ खास बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो मल्टीलेटरल लोन लेते हैं, बाईलेटरल लोन इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेते हैं, और एक्सटर्नल एक्सपोर्ट क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट भी इसमें आता है, और NRID आता है, NRI का डिपॉजिट आता है, मतलब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो अगर डिपॉजिट करते हैं इंडिया के बैंकों में तो वो डिपॉजिट भी इंडिया के डेट में आता है। अगर 1 साल से कम का डिपॉजिट है तो वो शॉर्ट टर्म डेट में आएगा, 1 साल से अधिक का है तो लॉन्ग टर्म डेट में आएगा, और कमर्शियल डेट, ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल डेट है वो अभी कमर्शियल डेट सबसे ज़्यादा कमर्शियल डेट है, और देन NRI डिपॉजिट है। अगर आप रैंकिंग में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, देन NRI का डिपॉजिट है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, रटने वाली। और अगर बात करेंगे करेंसी में तो सबसे ज़्यादा US डॉलर की करेंसी में डेट है, देन SDR में है, देन रुपए में है, देन SDR में है। US डॉलर नंबर एक पे, देन रुपए। देखिए रुपए में भी हम एक्सटर्नल डेट लेते हैं, ये मसाला बांड वगैरह जारी करके, और एक SDR में है नंबर तीसरा। फोर्थ पे जापानीज मुद्रा येन में है, नेक्स्ट पाउंड स्टर्लिंग, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1, 2, 3 ही याद रखिए, बहुत है। अगली खबर पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति यानी कि सोलर एनर्जी पॉलिसी 2017 इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्जाम के लिए, PCS के एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेटेड 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030, मतलब भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वो कुल अपने ऊर्जा उत्पादन का 40% किससे उत्पादन करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हम ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडिशन है ईयरली वो सेकेंड नंबर पर पहुंच गया है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? थर्मल पावर, सेकंड पे रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन में। 2022 तक हमने एक टारगेट रखा है, क्या मिडवे टारगेट, 175 GW टारगेट, इसको कम से कम हजारों बार मैं दोहरा चुका हूँ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 100 सोलर से है, 60 GW विंड से है, 10 बायोमास से है, 5 स्मॉल हाइड्रो पावर से है। 1 GW में कितना होता है? 10^9 W। 1 MW में कितना होता है? 10^6 W। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। और जो 100 GW सोलर इसमें लगाया जाएगा, 100 GW, उसमें 40 जो गीगावाट होगा तो वो सोलर रूफ टॉप से होगा। सोलर रूफ टॉप मतलब छतों के ऊपर जो रूफ टॉप लगाया जाएगा, सोलर पैनल, फोटोवोल्टाइक।
ठीक है। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्रीज है, आपको पता ही है, यूपी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आता है। 300 दिनों की यहाँ पे सनलाइट है। उत्तर प्रदेश में टोटल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 22.3 गीगावाट, एग्जैक्ट फिगर जरूरी नहीं है, आप 22 गीगावाट भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, 22 भी लिख देगा तो आपको याद रहना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, ठीक है, 22 गीगावाट। और राज्य सरकार ने अपनी क्या पॉलिसी रखी कि वो अपने कुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी कि टोटल विद्युत खपत का 8% है, 8% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कुल अपनी विद्युत खपत का। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू शेप अप इट्स कंजम्पशन एट 8%, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 8% फ्रॉम सोलर एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यूपी को 2022 तक 10.7 गीगावाट तक का टारगेट दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला सबसे बड़ा प्लांट भारत में कहाँ लग रहा है सोलर का, वो आपको बताया गया था, रीवा में, और दूसरा उत्तर प्रदेश में। देखिए हमारा टारगेट क्या है सोलर एनर्जी पॉलिसी का, कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये सब ब्ला ब्ला टाइप की चीज़ें हैं, सब आपकी मैगजीन में अवेलेबल होंगी, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी वो मैंने बता दी आपको। सोलर एनर्जी पॉलिसी में यूटिलिटी स्केल, सोलर रूफटॉप और ये ऑफ ग्रिड प्लांट तीनों आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 100 मेगावाट का, अच्छा सोलर पार्क की डिफिनेशन क्या होती है, कि कम से कम 100 मेगावाट अगर वहाँ जनरेट हो रही इलेक्ट्रिसिटी तो उसको सोलर पार्क बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये सोलर पार्क की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 मेगावाट, और बंजर भूमि पे इसको लगाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, पूछ लेगा ग्रीन कॉरिडोर से इसका क्या मतलब है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से नहरों के ऊपर, सार्वजनिक भवनों पर ये सब लगाया जाएगा, सोलर प्लांट, इस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आईएएस प्रीलिम्स में भी पूछा है, ये होता क्या है, देखिए आपने घर में सोलर रूफटॉप प्लांट लगा लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठंडी के दिनों में आपको इलेक्ट्रिसिटी की कम रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी है वो आप ग्रिड में डाल देंगे, ठीक है, और गर्मी में आप एसी चला रहे हैं तो आप गर्मी में अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, तो आपके बिल में से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी भेजी है ग्रिड को वो माइनस कर दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड नेट मीटरिंग। ऐसा कॉन्सेप्ट निजी सरकारी भवन दोनों में लाया जाएगा, ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट लगाया जाएगा, ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए। नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट यह है कि ग्रिड से कनेक्टेड हो, जिससे कि वो नेट मतलब जितना आपने खुद कंट्रीब्यूट किया और जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, तो दोनों का नेट निकाल दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की नोडल एजेंसी क्या होगी, उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण ऊर्जा विभाग प्राधिकरण यूपी नेडा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पे लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल हुआ, वासेनार में सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, रोज मैं बताता हूँ ये सारी खबरें, क्यों मैं चाहता हूँ आपको इतनी बार रिवाइज करा दूँ कि दिमाग में बैठ जाए। 43वां सदस्य देश है भारत, उद्देश्य क्या है, रासायनिक जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है, हमने वासेनार अरेंजमेंट भी ज्वाइन किया है। यह समूह मेंबर्स को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिसके नियंत्रण से ये हथियारों के प्रसार और इस पर रोक लग सके, ठीक है, और केमिकल बायोलॉजिकल दोनों तरह के हथियार कवर्ड हैं इसमें, केमिकल बायोलॉजिकल दोनों वेपन्स। कानूनी बाध्य नहीं है ये अरेंजमेंट, मतलब आप अगर ज्वाइन करते हैं तब भी, मतलब जो एकदम एग्जैक्टली यह नहीं है कि आप बाइंडिंग ही है। भारत MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम और वासेनार दोनों अरेंजमेंट का भी सदस्य बन चुका है, तो हाल ही में भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं बना, पहला में दे देगा MTCR, दूसरा में दे देगा वासेनार, और तीसरा में दे देगा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और फिर आपको दे देगा NSG, तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत नहीं बना है, बाकी तीन का बना है, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटी लिस्ट, ये सब भी आपको न्यूज़ पढ़ाई जा चुकी है। सबसे नंबर एक पर कौन से शहर का नाम लिया गया, सिलवासा, ठीक है, पहले पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है स्मार्ट सिटी का। देखिए हर देश के लिए अलग अलग, हर राज्य के लिए भी अलग अलग स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये मिशन लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, इम्पॉर्टेंट है डेट याद रखिएगा, 25 जून 2015 को। 100 शहरों को कवर किया जाना है, हर राज्य से एक शहर कवर किया जाना है, और हर राज्य की राजधानी कवर की जानी है, ये तो याद रहेगा आपको। 100 करोड़ रुपया सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 सालों के लिए हर साल, यानी कि टोटल 500 करोड़, और इतना ही पैसा कौन देगा, राज्य सरकार। पहले फेज में, फर्स्ट फेज 2016 में लॉन्च हुआ था, कम्पिटिटिव बिडिंग होती है इसमें,
लोग अपने शहरों का नाम भेजते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, उसमें भुवनेश्वर शीर्ष पर था। तो ये तो बासी न्यूज हो गई है, नहीं पूछेगा 20 शहरों का नाम की घोषणा हुई थी, फिर भी मैंने लिख दिया है। खुदा न खास्ता पहले फेज में लखनऊ शीर्ष, सॉरी फास्ट ट्रैक फेज एक लॉन्च हुआ था बीच में, उसमें लखनऊ शीर्ष पर था 2016 में, ये भी बासी न्यूज हो चुकी, 2016 की न्यूज़ है। फिर 2016 में एक सेकेंड फेज आया जिसमें 27 शहरों में अमृतसर शीर्ष पर था, ये भी बासी न्यूज है, छोड़ सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट क्या है 2017 वाला और 2018 वाला। 2017 वाले में तिरुवनंतपुरम था, 2018 वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप सब छोड़ सकते हैं, 2018 का इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 जनवरी 2018 को घोषित हुआ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, 9 शहरों को, यही इम्पॉर्टेंट है, 9 शहरों। सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है, इसको टॉप का क्लास का सिटी घोषित किया गया स्मार्ट सिटी में। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी बन गया है, ये डेवलप करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को इन 9 शहरों की लिस्ट में जगह मिली, बरेली मुरादाबाद सहारनपुर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये 3 नाम याद रखिएगा, बरेली मुरादाबाद सहारनपुर, 5वां 7वां 8वां। अब तक कुल 99 शहर घोषित हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुल 6 शहर हैं, आगरा वाराणसी लखनऊ बरेली मुरादाबाद सहारनपुर। कैसे पहाड़ा गिनती बनानी है आपको, आप खुद सोचिएगा, याद रखेंगे। आगरा वाराणसी, अब देखिए बनारस प्रधानमंत्री का है, लखनऊ मुख्यमंत्री का है, आगरा ताजमहल ही है, बरेली मुरादाबाद सहारनपुर, 3 थे, याद करना है बस आपको। उसमें भी बरेली मुरादाबाद सहारनपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हाल ही में घोषित हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, आईपीपीबी की एक पहले रायपुर में शाखा खोली गई, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, छोड़ सकते हैं आप। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, आईपीबी को फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड, ये तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। इंटेक का 2018 का मुंबई में एक मीडिया एंड इंटरटेनमेंट सर्विसेज का सबसे बड़ा केंद्र खोला गया मुंबई में, ये भी खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा आईजीआई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को 2017 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया, ये महत्वपूर्ण खबर है। दोनों लोगों को, आईजीआई दिल्ली और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। तेजस्वनी शंकर, ये 22वें फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीत के ले आई, तो ये नाम महत्वपूर्ण है, तेजस्वनी शंकर महिला 22वें फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक, सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आरबीआई ने एसबीआई पर कितने लाख का जुर्माना लगाया, 40 लाख का, नकली नोटों के सिलसिले में। प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया, तो आपका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवाईसी नॉर्म से पूरा नहीं कर रहा था। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका है, चाइना का है, ध्यान रखेंगे, लॉन्ग मार्च रॉकेट इज चाइनीज रॉकेट। तीरंदाजी एशिया कप में मुस्कान गिरार और प्रमिला डिमरी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट की न्यूज़ है ये मैंने पढ़ाया नहीं था, तो आपको नया भी पढ़ा दे रहा हूँ, रिवीजन तो हम करा ही रहे हैं। तीरंदाजी एशिया कप कहाँ पे, मुस्कान किरार और प्रमिला डेमरी, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता, नाम याद रखना है आपको। प्रिट्सकर प्राइज, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, प्रिट्सकर प्राइज ये नोबेल कहा जाता है, किसका, आर्किटेक्चर का, तो 45वां प्रिट्सकर प्राइज दिया गया बाल कृष्ण दोषी को, ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्किटेक्चर मतलब जैसे घर वर बनाते हैं ना, उसमें उसका नोबेल प्राइज कहा जाता है, ये प्रिट्सकर प्राइज इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया, बाल कृष्ण दोषी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में मनु भास्कर स्वर्ण पदक, इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने स्वर्ण पदक जीता। ये सब वो स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं जो पिछले एक महीने में इंपॉर्टेंट थी, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट, यू कैन नॉट स्किप इट। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका ने यरूशलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर लिया अपने लिए। अमेरिका घोषित करने वाला कोई विश्व की संस्था नहीं है, बट वो दबाव बनाता है इस तरह से, और अपने दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम स्थानांतरित करेगा। यरूशलम कुल 3 धर्मों का एक जंक्शन पॉइंट है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। 3 धर्मों का कौन कौन सा, एक तो यहूदी, एक इस्लाम और एक ईसाई। ओल्ड सिटी, पुराना शहर किस जगह पर है, पुराना शहर आप बताएंगे, इसराइल में और यरूशलम, फलस्तीन इसराइल का विवादित शहर है, ये यहूदी इस्लाम और ईसाई, ये 3 हो गए। 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित हो गया था, बेलफोर घोषणा हुई थी ब्रिटेन में, जिसमें फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी राज्य का समर्थन ब्रिटेन ने कर दिया था। ये सब तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओल्ड सिटी याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है ओल्ड सिटी, चर्च ऑफ द होली सेपेलर करके है, प्रभु यीशु को सूली पर यहीं पर चढ़ाया गया था और यहीं पर अवतरित भी हुए थे वो। और ओल्ड बुक्सा मॉस्क्यू है,
ओस्लो में शांति समझौता हुआ था, इसलिए तो ओस्लो से क्या दिया जाता है, या बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और आर्मिस्टिस लाइन यानी युद्ध विराम रेखा है इजराइल फिलिस्तीन की, इम्पोर्टेंट है। इसको अल मुकद्दसी ने बिच्छुओं से भरा स्वर्ण कटोरा कहा था, ओल्ड सिटी को, ये याद रखेंगे। पढ़ाया जा चुका है आपको। इसरो का सवां सैटेलाइट क्या था, माइक्रो सैटेलाइट था। आईसेक इसरो बेंगलोर ने डिजाइन किया था इसको। पीएसएलवी C40 से छोड़ा गया, जिसमें 31 उपग्रह टोटल छोड़े गए थे, 28 विदेशी थे। कार्टोसेट 2 सबसे बड़ा था, उसमें कार्टोसेट 2F भी था, ठीक है। 3 भारतीय थे, 28 विदेशी। इसको बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। भारत की ये कुल 13वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इम्पोर्टेंट है ये। कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया, 13वीं अमूर्त विरासत है ये, ठीक है। इलाहाबाद और तीन और ऋग्वेद के दशम मंडल में इसका जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ऋग्वेद के दशम मंडल में कुंभ मेले का जिक्र है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें समस्त संसार वासियों के लिए शुभ कर्मों के अनुष्ठान हेतु कुंभ का ये जिक्र है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? अब ऐसा नहीं कि इलाहाबाद वाले खाली कुंभ का, टोटल आपको 4 जगह जो कुंभ लगता है, एक तो प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। 4, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, और प्रयाग संगम के किनारे है, गंगा जमुना सरस्वती। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य देखिए जब मकर राशि में जाता है, माघ मकर गति रवि जब हुई तो तीरथपति आदि सब कोई, तो ये गंगा जमुना सरस्वती के संगम प्रयाग पर मकर में जब राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। मेष में प्रवेश करने से हरिद्वार, कर्क में नासिक और तुला में उज्जैन, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अखबारों में आता है कि इस राशि में प्रवेश किया। तो आपको याद करने की ट्रिक, तो मकर तो सबको याद होगा, आप मगरमच्छ से याद कर लीजिए, गंगा जी में पाए जाते हैं। मेष, कर्क, नासिक। कर्क याद कर लीजिए ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कर्क वहाँ पे हो जाएगा। और तुला उज्जैन में ऐसे याद कर लीजिए, वहाँ बनिया बहुत होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से मतलब करके याद कर लीजिए। और ये घोषणा जेजू दक्षिण कोरिया में हुई यूनेस्को की मीटिंग में, ये भी याद रखने की बात है। विश्व के सबसे बड़े विशाल जनसंगम के रूप में कुंभ एक चमत्कार, भारत की अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति का अदृश्य प्रतीक है, ऐसा मार्क टुली ने कहा था। ये बीबीसी के एक पत्रकार थे, बीबीसी, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि भारतीय बहुत इंटरेस्टिंग है, जब पूछो सवाल हिंदी में तो जवाब अंग्रेजी में देते हैं, ये मार्क टुली ने कहा था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये स्कीम 2017-18 के बजट में अनाउंस हुई थी। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डिजिग्नेटेड बॉडी बनाया गया ब्रांच, इसकी ब्रांच से जो केवाईसी नॉर्म फुलफिल करते होंगे उनको दिया जाएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड। के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। इंडिया पहली कंट्री है, संभवतः पहला देश है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लॉन्च किया है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लॉन्च हुआ है वो 1 अप्रैल से बिक रहा है ना, 1 अप्रैल या 1 मार्च से बिक रहा है। 15 डेज की लाइफ साइकिल है, मतलब आपने खरीद लिया तो 15 दिन के अंदर उसको ले जाके जमा कर दीजिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिस पर आप विश्वास करते हो। ऐसे तो कोई विश्वास नहीं नहीं है। आपको इस बॉन्ड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और कोई कमीशन इस पे चार्ज नहीं है। एक्चुअली ये एक तरह का प्रॉमिसिंग नोट है या बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बियरर मतलब होता है जिसके हाथ में है उसका पैसा है, ये बियरर का मतलब ही होता है ना, जिसके हाथ में है उसका है। और भारत के नागरिकों को ही ये जारी होगा, इम्पोर्टेंट है ये। भारत में निगमित स्थापित, भारत के नागरिकों को या भारत की कंपनीज को, बाहर की किसी कंपनी को नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या सभी दल इसको ले सकते हैं? नहीं, जिन्होंने कम से कम चुनाव में 1% मत प्राप्त किया हो और आरपी एक्ट 1951 के तहत दर्ज हो। इतनी सब डिटेल जानने की जरूरत नहीं आपको, खाली हरो और के लिए याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है ये इलेक्शन बॉन्ड का। और 1000 इसका डिनोमिनेशन याद रखिएगा, कि पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड 5000 में जारी हो सकता है तो गलत है। 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख, 1 और 100 लाख, ठीक है। एक एक जीरो बस बढ़ाते जाइए। दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये इलेक्ट्रोल फंडिंग से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, आपको इंडेक्सेस पढ़ाए जा चुके हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 170 है, 177 है। देखिए ये बायसिंग है, भारत के साथ भेदभाव करने का तरीका है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हमारी रैंकिंग बहुत पुअर दी गई है, 177 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पर्यावरण का ध्यान हम ही लोग रखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 122वें स्थान पर हम हैं, नॉर्वे 1st पोजिशन पे है। और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सवाल बार बार पूछा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन
ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए मैंने लिख दिया कि दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। फिनलैंड नंबर एक पर आता है, भारत की रैंकिंग 133 है। विश्व प्रसन्नता इंडेक्स, इसको पूछा भी गया है कई बार, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये देख लीजिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अच्छा, इंडेक्सेस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन जारी करता है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, समावेशी विकास सूचकांक। भारत की रैंकिंग 62 है, नॉर्वे पहली पहले स्थान पर। ये तो खैर आप याद कर ही चुके होंगे, बस आपको रिवाइज रिवाइज करा दे रहा हूँ। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इस समावेशी इंटरनेट का, इंडिया 47 रैंक पे है, स्वीडन नंबर एक पर है। आपको याद करके ही जाना है। ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स, ये इनसीड द्वारा जारी किया जाता है, नॉन इम्पॉर्टेंट है। टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स, इसमें भारत का 81वां स्थान है, बस इतना याद रखिएगा, बाकी इसमें नहीं पूछेगा। भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 81 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भारत की रैंकिंग 81। ग्लोबल विनिर्माण सूचकांक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, विश्व विनिर्माण सूचकांक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की रैंकिंग 30 है इसमें, जापान नंबर एक पर है विनिर्माण में। ये तो आसान से मतलब मेक इन इंडिया जब से चलने लगा है तो इंडिया पहुंच गया 30th पोजीशन पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, और पूछ लेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको गेस करना इतना ईजी है। वर्ल्ड बैंक देखिए इस तरह का काम नहीं करता है, वो काम करता है कि देशों में जा जा करके और भूखे नंगों को पैसा देना, गरीबों के यहाँ। IMF क्या करता है, IMF जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट बिगड़ जाती है तो उनको लोन देता है, ये सब काम करने की आदत है उसको। बहुत कम इंडेक्स निकालते हैं IMF वर्ल्ड बैंक, और वो बहुत मशहूर होते हैं, तो बस उतना ही याद करना है, बाकी आप सेफली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लगा सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल की कोई इंडेक्स ऐसा जारी नहीं करता। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत 78 पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 78 पोजीशन पे है, नंबर एक पे कौन है उसको छोड़ सकते हैं आप। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 2006 से जारी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी डिटेल बता दे रहा हूँ। भारत 108वें स्थान पर है, टोटल 144 देश होते हैं, 108वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। स्कोर 0.669 है। आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, अटलांटिक ओशन की कंट्री है आइसलैंड, और इस पे 0 से 1 के बीच में जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें टोटल गैप 0 होता है, टोटल जेंडर इक्वलिटी 1 है। शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य, उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण इस पे दिया जाता है। 2016 में भारत का 87वां स्थान था, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। 2017 का खाली याद रखिएगा कि 108वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। HDI सबसे महत्वपूर्ण तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है हर 2 साल, 2016 में जारी हुआ था। भारत 131वें स्थान पर है, कुल कंट्री 188, ये भी याद रखना है आपको, 131/188 याद रखिए। भारत 131वें स्थान पर है, कुल 188 देशों का जारी किया गया, नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और भारत का स्थान 131 है, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर है, 14th, इंपॉर्टेंट है ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें भारत 8वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यही प्रश्न आएगा, इसी की संभावना है, बाकी चाहे जितना रट लीजिए प्रश्न यही आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 के लिए जारी किया, अब किसने, विश्व बैंक ने जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट दो तीन स्टेटमेंट है। पहला कि लास्ट ईयर एक बार में 32 अंकों का सुधार हुआ, यानी कि हम 132 पे थे सीधा 100 पे आ गए, इतना सुधार हो गया, 100/190 याद रखिए, 190 देशों का रैंकिंग निकाला गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, हम 100वें स्थान पर आ गए। और लास्ट 3 ईयर्स का प्रोग्रेस देखेंगे तो 42 अंकों का सुधार हुआ है टोटल। तो ये स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री हर अपने भाषण में यूज किए हैं, तो आपको याद रखना है। यही प्रश्न पूछा जाएगा वर्ल्ड बैंक एंड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये IFPRI द्वारा जारी किया था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इंडिया 100वें स्थान पर है, इसमें भी हंगर में भी हैं हम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स दोनों में 100वें स्थान पर हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40वें पर हैं। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट 103 पर हैं। SDA इंडेक्स सस्टेनेबल, SDA मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इस पर हम 116वें स्थान पर हैं। ये प्रश्न UPPCS में नहीं RO इसमें पूछा गया था, फॉरेस्ट वाले में, उस समय नया नया जारी हुआ था तो पूछ लिया गया था, तो अब नहीं पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा SDG ने इंडेक्स जारी किया था 116। ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स छोड़ सकते हैं आप, पीस इंडेक्स ये सब छोड़ दीजिए। मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि आप बोलेंगे कि सर ये सब पढ़ाया नहीं आपने, लिख दिया हूँ बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया 68 पर है, ट्रस्ट है ही नहीं हमारे यहाँ। और बाकी आगे अगले लेक्चर में, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है लेक्चर। थैंक यू।